के इस वीडियो में हम जाने कि एमएस वर्ड के अंदर में मेल मर्ज के माध्यम से या मेल मर्ज के अंदर में हम लोग इनवेलप का यूज कैसे करेंगे, इनवेलप हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि मेल मर्ज क्या होता है। आप अगर हमारा पिछले वाला इससे पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आपको मेल मर्ज का कंसेप्ट दिए हैं कि मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज को हम लोग कैसे एक डॉक्यूमेंट से एड्रेस से एक लेटर के साथ कैसे मर्ज करते हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि मेल मर्ज के माध्यम से हम लोग इनवेलप कैसे तैयार करेंगे। इनवेलप करने का मतलब है कि आप लेटर तैयार कर लिए और आपको किसी को भेजना है, तो जितना हम लेटर तैयार किए हैं उस सब का नेम एड्रेस वर हमारे पास है। इस नेम एड्रेस का यूज करके हम लोग ये इनवेलप तैयार करना चाहते हैं। एक ही बार में जितना मेरा एड्रेस है उतना इनवेलप हमको एक ही बार में तैयार हो जाएगा, ये हम लोग आज कैसे करेंगे। तो इनवेलप तैयार करने के लिए ये डाटा हमारे पास है, कल इसका यूज करके हम लोग आपको एड्रेस को मर्ज करके डाटा के साथ लेटर के साथ मर्ज करके आपको हम सिखाए, आपको हम बताए कि लेटर कैसे बनाएंगे। तो लेटर हमारा तैयार है, लेटर तैयार कर लिए, अब हम लोग इनवेलप तैयार करेंगे कि इनवेलप को कैसे बनाएंगे, उसको फिर प्रिंट करके कैसे हम लोग इसके साथ भेजेंगे। तो ये हमारा ये एड्रेस है, ये आपको एड्रेस बनाने आता है, आप बना चुके हैं, अब इसी का हम लोग को इनवेलप तैयार करना है। तो एक नया फाइल लेते हैं जहाँ पर हम लोग इनवेलप तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम लोग न्यू ले लेते हैं। कंट्रोल एन के सहारा लेकर के आप इसको न्यू ले लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग इनवेलप तैयार करते हैं। तो ये हमारा इनवेलप के लिए क्या करेंगे कि हमारा तो डाटा बना हुआ है, फिर से हम लोग क्या करें कि मेलिंग में चलते हैं, इनवेलप में लगते हैं। इनवेलप बनाने का दो तरीका है, एक तो पहले टू होता है जो भेजा जाता है, जिसके पास अ फॉर्म जो भेजना होता है वो हम लोग, या तो हम लोग इस मेलिंग एड्रेस पहले से फॉर्म सेट कर दें या हम बाद में भी करेंगे। तो पहला तरीका हम बताते हैं कि हम बाद में ही करते हैं, ऑटोमेटिक सेट करके हम लोग फिर उसको बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, इसमें लेटर आपको हम बताए थे, हम लोग इनवेलप में चलते हैं, इनवेलप खोलते हैं। खोलिए, इनवेलप आ गया। तो ये हमारा इनवेलप स्टार्ट मेल मर्ज में हम इनवेलप कर लिए। इसके बाद हम लोग को ये पूछता है, देता है इनवेलप का साइज, इनवेलप में आपको कौन सा साइज रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सब साइज सब दिया हुआ, आपको इसमें से जो साइज है आप ले सकते हैं, कोई भी साइज आप डिफॉल्ट में साइज 10 है, जो भी है आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस दिखा रहा है कि इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फेस अप फेस डाउन दिया हुआ है कि आपको ये किस साइड चाहिए, इधर चाहिए, ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए या इस टाइप से चाहिए, ये सारा ऑप्शन सब आपको दिया हुआ। फेस अप मैंने ऊपर के रूप में डाउन कर देंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आपको आएगा, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टर दिया हुआ है। तो इनवेलप में ऑप्शन में हम लोगों का ये पूछता है। इसके अलावा आप चाहे तो इनवेलप में या डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस दिया हुआ है, तो डिलीवरी एड्रेस में फ्रॉम लेफ्ट ऑटो दिया हुआ है, फ्रॉम टॉप ऑटो दिया हुआ है, अब फॉन्ट है रिटर्निंग एड्रेस का फॉन्ट्स है, आप चाहें तो इसका फॉन्ट्स बदल सकते हैं, आपको पसंद है कि कोई सा अच्छा फॉन्ट्स आप अपने हिसाब से डिजाइन बना के रखे, तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट्स लेना है या ऐसा कुछ डिजाइन डिजाइन करना है वो हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट्स का नाम दिया रहता है, आप चेंज कर सकते हैं, ये इफेक्ट करना है नहीं करना है तो आप यहीं पे रखिए। यही चीज़ हम लोग रिटर्निंग एड्रेस के साथ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट का एड्रेस था, चूज स्पेसिंग में ऐसा कुछ आपको करना है तो आप कर लीजिए, फिर हम लोग इसको ओके करते हैं। ये हो गया इनवेलप का, प्रिंटिंग ऑप्शन में ये जा करके बता दिए, इनवेलप ऑप्शन में भी हम लोग का जो साइज रखना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग इसको ओके करते हैं। तो जो ही आप इसको ओके करेंगे, अभी पूछता है फ्रॉम में, देखिए हमारा ग्लोबल आ गया यहाँ पे फ्रॉम, हम चाहे तो इसमें मुजफ्फरपुर आप लिख भी सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में चलेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो हम जो डाटा बना चुके हैं हम उसको यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तभी हमारा काम होगा। आप डॉक्यूमेंट में चलिए, यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना के रखें, एससिंग नाम से इसको आप ओपन कीजिए, ये इस टाइप से आ गया।
अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इनवेलप का ऑप्शन आ गया, प्रॉम्प्ट तो लिया हुआ है। यहाँ पे आप टू सेट कीजिए, टू लिख देते हैं और यहीं पे हम चाहते हैं कि सबका नाम पता हो। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं यहाँ पे नेम हो और इसके आगे हम लोग इस इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके यहाँ से हम नेम लेते हैं। फिर नीचे में हम लोग एड्रेस चाहते हैं कि उसका एड्रेस हो जाए, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में चलिए इसमें से हम लोग एड्रेस लेते हैं। फिर नीचे में हम लोग सिटी चाहते हैं, सिटी में सिटी के सामने हम लोग चाहते हैं कि इसमें से सिटी ले तो आप सिटी लीजिए। सिटी के बाद सपोज कीजिए कि हम लोग पिन नंबर लेना है तो आप यहां से इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइए, यहां से पिन कोड ले लीजिए और हम उसमें जो भी हमारा फ़ोन नंबर है तो आप यहां से चाहे तो इंसर्ट मर्ज फील्ड से हम लोग इसको फ़ोन नंबर ले लेते हैं या मोबाइल नंबर जो कहिए। ये हो गया, ये ले लिए तो ये हमारा इन्वेलप में फ्रॉम हम सेट कर लिए और ये हमारा टू यहाँ पे दिया हुआ है, टू हम लोग ले आए। अब यहाँ पे आप चाहे तो आप रियल प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका कैसा होगा। ये देखिए टू आ गया, यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड टू देखते हैं, थ्री रिकॉर्ड, फोर रिकॉर्ड, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, आप जितना डाटा वहाँ बना चुके थे ऑटोमेटिक यहाँ सारा हमारा मर्ज कर देगा। तीन इन्वेलप का कंसेप्ट हम लोग कहा जाएगा तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेप हम लोग का बचता है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज करते हैं हम लोग एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करते हैं, चूंकि हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, हम चाहते हैं कि इन्वेलप बना लें और उसके बाद हम लोग प्रिंट निकाल के इसको हम लोग बाद में भेजेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इन्वेलप तैयार कर लेते हैं। तो अब मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट कहता है, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, करेंट पेज पीरियड लिखा हुआ है और फ्रॉम दिया हुआ है तो हम ऑल ही करते हैं, चूँकि सारा का जितना हमारा इन्वेलप में एड्रेस है सबको सारा एड्रेस हमको चाहिए, इसलिए हम लोग ऑल करके इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा इन्वेलप ये साइज के हिसाब से तैयार हो गया, फ्रॉम यहाँ पे लिया, दूसरा देखिए ये तैयार हो गया, तीसरा ये तैयार हो गया, फिर चौथा तैयार हो गया, पाँचवा तैयार हो गया, छठा तैयार हो गया, ये सातवा, ये आठ हो गया, ये नौ और ये सारा लेटर आपका इन्वेलप आपका तैयार हो गया। तो ये इन्वेलप तैयार करके आप चाहे तो इसमें हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा। ये देखिए इसी टाइप का हमारा इन्वेलप सब निकलेगा, ये इन्वेलप प्रिंट प्रीव्यू देख लिए, प्रिंट प्रीव्यू जानते हैं कि हमारा इन्वेलप कैसे तैयार होगा। फिर आप यहाँ से बंद कीजिए तो ये हमारा इन्वेलप का कंसेप्ट हो जाता है। तो मेल मर्ज के माध्यम से हम लोग इन्वेलप भी तैयार कर सकते हैं, एक बार में हम लोग 1000-2000 जितना भी डाटा है इतना हम लोग तैयार कर लेंगे, इतना इन्वेलप तैयार कर लेंगे तो इसके हिसाब से हमारा हो जाता है। तो ये इन्वेलप ऑप्शन का तैयार करने का तरीका हुआ। हम ये फॉर्म चाहे तो ऑलरेडी पहले से सेट भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो फॉर्म सेट करने के लिए आप चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक फॉर्म ले ले, इसके लिए आप इसमें जाइए वर्ड ऑप्शन में, आप यहाँ पे जाएंगे वर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस मिलेगा। एडवांस में आप खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे नीचे में आप आते हैं तो मेलिंग एड्रेस में ग्लोबल फॉर्म ग्लोबल लिखे हम यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ पे जो चाहे ग्लोबल हम लोग मुजफ्फरपुर भर देते हैं यहीं पे। तो मेल मर्ज करते समय में हमारा फॉर्म में ऑटोमेटिक यहाँ से ले लगा, यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पे हम लोग को बाद में भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है इस टाइप का इन्वेलप का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे कि मेल मर्ज के माध्यम से मेल मर्ज का यूज करके हम लोग इन्वेलप कैसे तैयार करेंगे। ये इन्वेलप हमारा तैयार हो गया, आप इन्वेलप को चाहे तो आप सेव करिए, ये इन्वेलप वन के नाम से तैयार होता है। ये दोनों डाटा को मिला करके हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट तीसरा तैयार करता है जिसमें हम लोग का इन्वेलप बना। आप इसको सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के आपको जैसे जिस हमारी इसी साइड के इन्वेलप पर इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद हम लोग इसको उसमें लेटर को डिस्पैच करके भेज सकते हैं। ये हमारा इन्वेलप का कंसेप्ट हो जाता है। हम इन्वेलप को बना लिए हैं, हम चाहे तो इसको सेव करके देख सकते हैं, कंट्रोल एस मारिए, यहाँ पे हम जो भी नाम दे इन्वेलप नाम दे देते हैं क्योंकि हमको समझ में आए, तो इन्वेलप नाम से हमारा ये सेव हो जाएगा डाटा, ये हम बना लिए और सेव कर लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे कि मेल मर्ज के माध्यम से मेल मर्ज को के सहारा से मेल मर्ज को यूज करके हम लोग इन्वेलप कैसे तैयार करते हैं। हमारा ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा कि मेल मर्ज के माध्यम में इन्वेलप कैसे बनाए। आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप वेल आइकन आपको आता है उसमें जाके आप ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाते रहें समय समय पर आप उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।